औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आज के उनवान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। उर्दू ग्रामर के हवाले से आज हमने जिस उनवान का इंतखाब किया है वो है मज़मून लिखना, और इसी मज़मून के लिए आज हमने जो उनवान चुना है वो है कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस पर मज़मून लिखना। जिस तरह के आपके इल्म में है कि मज़मून के लिए सबसे पहले तमहीद लिखी जाती है, जिसमें आगाज़ या इब्तिदा होती है, फिर इसके बाद नफ्सी मज़मून जिसमें तमाम तर मालूमात, ख्यालात, नज़रियात वग़ैरह वो लिखे जाते हैं, और आखिर में इख्तिताम, यानी इसका एक नचोड़ या नतीजा वहाँ पर हम निकालते हैं। तो आइए कोरोना वायरस के हवाले से हम मज़मून के लिए एक तमहीद किस तरह बांध सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आप मुलाहिज़ा करें। ये पहला हिस्सा है तमहीद। जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से उसे मुख्तलिफ़ हालात का सामना रहा है। इन मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ मसाइल ने जन्म लिया है, जिनके बाइस ये इंसान तकलीफ़ में रहकर परेशान भी रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अक्ल फहम और शऊर दिया, और इस जहानी फ़ानी में इसकी ज़िंदगी का हर तरह सामान भी किया है, जिसके बाइस ये इंसान हर परेशानी पर काबू पाकर आगे बढ़ता रहा है। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ परेशानियों और तकालीफ में से मुख्तलिफ़ वबाओं का बड़ा किरदार रहा है, लेकिन ये इंसान अपनी अक्ल फहम, सूझबूझ और अक्ल और इल्म शऊर को बरोईकार लाकर इन वबाओं पर काबू पाता रहा है। असर हाजिर में भी इंसान को मुख्तलिफ़ छोटे बड़े अमराज का सामना रहा है, जिनमें सरफहरिस्त कोरोना वायरस है। आपने देख लिया कि आखिरी बात मैंने इस तरह की कि ये मुतालिका पैराग्राफ के मुतालिका मज़मून के उनवान के साथ इस तरह जुड़ गया है, जैसे लोग दो कड़ियों को तीन कड़ियों को मिलाकर एक जंजीर बनाती है। तो ये इसके लिए एक अच्छी तमहीद हो सकती है। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, नफ्से मज़मून की तरफ। ये इसका सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें कोई भी इंसान मुतालिका उनवान के हवाले से अपनी मालूमात, नज़रियात और ख़यालात कलमबंद करता है। तो आइए हम इसके लिए क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिसे उर्दू में दिमाग सूजी कहते हैं, कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग या दिमाग सूजी करने के बाद चंद अहम पॉइंट्स, निकात अपने सामने लाएंगे, और इन्हीं निकात को मद्दनज़र रख कर जब हम मज़मून लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो एक अच्छा मज़मून हो सकता है। तो कोरोना वायरस के हवाले से चंद अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसके लिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग दिमाग सूजी हम इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। तो ये क्या है, इसको कोविड-19 कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि खो या CO ये है कोरोना, खो कोरोना के लिए है, फिर है VI ये है वायरस, वायरस के लिए है, और D के मानी है डिजीज़, डी किसके लिए है, डिजीज़ के लिए, डिजीज़ कहते हैं मर्ज को, और 19 इससे मुराद क्या है 2019। तो ये कोविड-19 की तारीफ़ हो गई कि कोविड-19 से मुराद क्या है, यानी वो वायरस जिसे कोरोना कहते हैं और जो 2019 में पैदा हुआ और ये मुसलसल फैलता गया। तो ऐसी बीमारी जो कोरोना वायरस की वजह से लगती है और इसका आगाज़ 2019 में हुआ, इसे कहते हैं कोरोना वायरस या इसे कहते हैं कोविड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मर्ज़ या हम वबाई मर्ज़ की तारीफ़ करेंगे या वबा की तारीफ़ करेंगे। वबा से मुराद क्या है या वबाई मर्ज़ बीमारी किसे कहते हैं, वो बीमारी जो बयक वक्त यानी एक वक्त में, जो बयक वक्त एक वक्त में बहुत सारे लोगों में फैल जाए उसे कहते हैं वबा। वबा से मुराद क्या है, ऐसा मर्ज या बीमारी जो एक वक्त में बहुत सारे लोगों को लग जाती है, ऐसी बीमारी को कहते हैं वबाई बीमारी या वबाई मर्ज। पहली तारीफ क्या हो गई, ये कोरोना वायरस की तारीफ हो गई कोविड-19 की, फिर वबा की तारीफ़ हो गई क्योंकि ये एक वबा है। अब आती है कि इसकी अलामात कौन कौन सी है, इसकी क्या क्या अलामात है।
तो इसके अलावा थे कि इसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम होता है, इसके साथ बुखार भी होता है, ये फेफड़ों पर हमरा और होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसी तरह बुखार, खांसी, सांस में दुश्वारी होती है वग़ैरह, ये इसकी वो अलामत है। पूरे जिस्म में दर्द वग़ैरह, अगर आपको मज़ीद अलामत मालूम हो तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। असरात इसके क्या है या दुनिया में इसके क्या असरात मुरतब हुए, तो इसने ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया, घरों में लोगों को बिठा दिया, लोग घरों में क़ैद हो गए, तालीमी कारोबारी इदारे वग़ैरह वो सब के सब बंद हो गए, यानी कारोबारी ज़िंदगी वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया, बंद हो गया। अब ये इसकी अलामात और इसके असरात। अब आती है इसके आगाज़ की तरफ कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ। इसका आगाज़ सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के एक सूबे वुहान से हुआ, और जब इसका आगाज़ हुआ तो पहले पहल दिसंबर 2019 में ये मर्ज़ मालूम हुआ और एक आदमी में इसकी अलामत वो नमूदार हुई, तो उसी वक्त से इसका ये आगाज़ इस तरह हुआ और यह आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। इसी दौरान जो कोरोना वायरस का मसला है, इसी दौरान मुख्तलिफ नई इस्तिलाहात यानी नई अल्फाज भी वो वजूद में आ गए, जैसे क्वारंटीना यानी किसी को अलग तलग बिठा देना, लॉकडाउन का एक नई इस्तिलाह है, नया लफ्ज़ है, इसी तरह आलमी वबा यानी पूरी दुनिया की वबा, समाजी फासिला वगैरह, इस तरह की भी अगर आपको मज़ीद अल्फाज या इस्तिलाहात याद है तो आप यहाँ दे सकते हैं कि इस दौरान ये इस्तिलाहात वजूद में आ गई या ये नई अल्फाज आ गई। फिर जब इसका आगाज़ चीन से हुआ तो इसका फैलाव कहाँ पर हो गया, यूरोप तक ये पहुँच गया, तो इससे जो जितनी भी ज़्यादा मुतासिर होने वाली ममालिक है वो है अमेरिका, चीन, इटली, बरतानिया, भारत, ईरान, ब्राज़ील, जर्मनी वगैरह, फिर इसके बारे में आप लिखिए। फिर इसके बाद इससे करोड़ों लोग मुतासिर हो गए और लाखों अफराद वो लुक्मे अजल बन गए, यानी वो इसकी वजह से मर गए। जब ये सब कुछ इतना ज़्यादा हुआ तो फिर आलमी इदारे सेहत जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसे आलमी वबा करार दे दिया, यानी पूरी दुनिया तक पहुंचने वाला या पूरी दुनिया पर फैलने वाला वबा। तो इसी तरह ये तमाम पॉइंट जब आप लिखते हैं, यानी पहले तारीफ करते हैं COVID-19 की, फिर आप वबाई मरज़ की तारीफ़ करते हैं या वबा की तारीफ़ करते हैं, फिर इसकी अलामात, फिर इसके असरात, नए अल्फाज, इस्तिलाहात वग़ैरह, इसका आगाज़ कहाँ तक पहुँच गया, किन किन ममालिक में कहाँ, अगर आपके पास मज़ीद मालूमात हो तो आप वो भी लिख सकते हैं कि ये मुल्क इतना मुतासिर हुआ, ये इतना मुतासिर हुआ, इसी तरतीब के साथ आप सब कुछ ये लिखे। अब इसके बाद आप ये लिखे कि लोगों में इसकी वजह से जो बेचैनी फैल गई थी, इसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या है। तो इन वजूहात में से चंद ये है कि एक तो इंटरनेट पर मुख्तलिफ किस्म की गलत मालूमात वो शाया होती है जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी फैल जाती है, लोग मीडिया का बार बार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी बेचैनी फैलती है, अक्सर लोग मुसलसल या बार बार खबरें सुनते रहते हैं जिसकी वजह से नफसियाती तौर पर वो बेचैन और बेकरार हो जाती है। इसी तरह मज़ीद भी अगर आपको याद है तो आप, या आपको वो चीज़ें आती हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि लोगों में बेचैनी की के असबाब क्या थे। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने मुल्क की तरफ कि जिस तरह दूसरे ममालिक इससे मुतासिर हुए, हमारा मुल्क भी इससे मुतासिर हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क उसी तरह मुतासिर नहीं हुआ जिस तरह दूसरे ममालिक मुतासिर हुए थे। इसकी वजूहात भी अगर आपको याद है, आपको आती है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आखिर की तरफ आते हैं, तो इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना, सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो इससे बचाव मुमकिन हो सकता है। इसी तरह आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हम पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, सफाई आ जाती है, हम खाने पीने के लिए हाथ धोते हैं वक्तन फ़ौक्तन, तो आप देखिए कि 24 घंटे में हम कितनी दफ़ा अपने हाथों को, अपने चेहरे वगैरह को धोते हैं, तो नमाज, इबादत, खाने पीने में एहतियात, इन तमाम चीज़ों की वजह से हम इससे बच सकते हैं। हाथ धोना ख़ासकर खाने से पहले और खाने के बाद, ये तो हमारी आदत है, मुसलमानों की आदत है कि जैसे वो खाना खाते हैं पहले हाथ धोते हैं, जैसे खाना खाते हैं खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, इसी तरह बैतुल खला से निकलने के बाद भी
हाथ साबुन से धोने चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत करना चाहिए ताकि इसका मुकाबला कर सके। इस तरह इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपको मज़ीद बातें आती है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब हम इसका इख्तिताम किस तरह कर सकते हैं? इख्तिताम इस तरह कि अगर हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, इबादात का, नमाज वग़ैरह का ख्याल रखेंगे, वक्तन फ़ौक्तन हम अपने हाथों को धोते रहेंगे, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोते रहेंगे, सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, तो उम्मीद है कि इस मर्ज़ से हम बच सकते हैं। तो इसी हवाले से आपने बहुत कुछ आज सुन लिया, देख लिया, तो मुझे उम्मीद है कि कोरोना वायरस के मज़मून के हवाले से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइंदा किसी नए उनवान के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।